राधे राधे भैया जी, हम पहुँचे हैं तहसील रामनगर, जिला बाराबंकी, और विलेज का नाम है क्या भैया जी? सोहे हाँ, सोहे में यहाँ पड़ा था यार। सोहे गांव है रामनगर, विलेज है सोहे बड़े भाई, और तहसील रामनगर, जिला बाराबंकी। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये देख लिया जाए, बढ़िया चक्रोड है ये वाला, ये भी चक्रोड गया अंदर को, थे डामर से मान के चलिए 500 मीटर अंदर है भैया, 500 मीटर अंदर है डामर से बड़े भाई। और ये भी है कहाँ से है? लगा हुआ है जी, वहाँ से है वो जो क्लस्टर सामने सामने ना भैया। अच्छा चलो, इसमें पिल के हमको चलो दिखाओ ना, आपको हम चल के दिखा रहे हैं भैया जी अंदर से। और ये अपना कच्चे चक्रोट का फ्रेंड है, यहाँ से वहाँ जो भैया जी जा रहे हैं वहाँ पे। ये कितना है टोटल भैया जी इसमें? 30 बीघा है भैया जी। आपको हम चल के अंदर से दिखा देते हैं कहाँ से है। अरे अरे, अंदर से हम देख लिया जाए भैया जी, हम अब ज़मीन में घुस गए अंदर। इस वाली मेड़ से चलें, इस मेड़ से चलो भैया। और इसमें आम का है और अमरूद का, आम का अमरूद का दो दो वैरायटी हैं भैया जी। अमरूद का पेड़ है भैया जी और आम का पेड़ है, पर अमरूद तो मेरे हिसाब से जा चुका है और आम का है। हम चल के पूरी वीडियो दिखाते हैं भैया। कौन सी कास्ट के है बड़े भाई? पंडित जी की जमीन है। हम इस वाले मिहार से आए हैं बड़े भाई, अभी हम निकलेंगे फिर आगे से घूम के अगली वाली उस तरफ निकलेंगे भैया जी। ताल लगा हुआ है इसके का भी। ताल लगा हुआ है, ताल फान के जाते हैं। पंडित हम बताए हैं, आओ भैया जी चलो आगे आगे फिर बताओ। आखिरी ले जाऊँ कलस्टर बताओ हमारे दिखा। ये किस चीज़ के पेड़ है? सब आम है भैया जी, टोटल आम का पेड़ है इसमें। काफी पेड़ भी होंगे हाँ भाई, 30 बीघे में। बहुत अंदर आ गए हम, ये आम सब सड़ सड़ के गिर रहा है। आगे इस तरफ निकल आए हैं, इस तरफ चक्रोड पे आ गए बड़े भाई। जमीन के दो तरफ चक्रोड हैं। दो तरफ चक्रोड है भैया जी जमीन के, ये भी कच्चा चक्रोड है। इस तरफ हम निकले हैं भैया जी पीछे, ये भी कच्चा चक्रोड है। दो तरफ है अपनी जमीन के, दो तरफ चक्रोड है। हम इधर से चल के दिखा रहे हैं ना आपको, फिर अगले उस वहाँ पे निकलेंगे आगे से जा करके भैया।
क्योंकि 30 बीघा का प्लाट है बड़े भैया, तो चलत भी टाइम लगेगी इसमें। दिखा देते हैं आपको चल के पूरी। आम देखा जाए भैया जी तो कितना बड़ा बड़ा देखा जाए आम। ये देखो कितना बड़ा आम लगा है। दो तरफ चक्रोड हैं जमीन के दोनों तरफ। ए उसको उठाओ 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 उठाओ। देखा जाए भैया जी ये देखो आम लगा है इसमें। ये आम अपने मन से छुआ है। और बड़े भाई इस तरफ जुताई हो रही है। मिट्टी देखा जाए कितनी मस्त मिट्टी है, बहुत नंबर एक की मिट्टी है बड़े भाई ये वाली। और ये गेट है इस तरफ का, इस तरफ का ये वाला गेट है बड़े भाई। उस तरफ को आप घूम चल के दिखाते हैं। यही मेड़ है आखिरी लास्ट है। अच्छा भैया जी वीडियो में तो टाइम ही लगेगी क्योंकि बहुत बड़ा प्लाट है, तो हम आपको पूरी मेड़ चल के दिखाएंगे चारों तरफ की, तो आपके समझ में आएगा बड़े भाई। देख लीजिए यहाँ पे जुताई हो रही है और ये वाला अपना बाग है भैया जी 30 बीघे का। तो हम देखा जाए भैया जी तो वहाँ से अब वो वाली मेड़ से वहाँ से निकल करके बड़े भैया फिर यहाँ हम आ गए हैं दूसरी वाली मेड़ पे। अब फिर हम यहाँ से निकलेंगे अगली वाली मेड़ पे जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट किया था, वहाँ को निकल रहे हैं बड़े भाई। यहाँ से अपनी ज़मीन के दोनों तरफ कच्चा चक्रोड है भैया जी, हम निकल रहे हैं उस तरफ। चलो भैया ये वाली ज़मीन नहीं नहीं बाहर से चलो ठीक है, अंदर से नहीं ठीक है, समझ में आएगा देखेंगे। इसमें चारों तरफ अपने कलेक्टर का पेड़ ही लगे हैं, कलेक्टर चारों तरफ लगे हैं भैया इसमें। आराम से इधर से निकलो ना। बड़े भैया देखा जाए तो बहुत धूप है, कितनी मेहनत से हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं चल करके। इधर कहाँ से निकला जाए भैया? अरे तुमका हम दिखा रहे ना सामने अपने देख लियो। अभी वहाँ देख लीजिए भैया जी जो खाट पड़ी है, ठीक है ना? कच्चा चक्रोड है और उस तरफ भी कच्चा चक्रोड है। और ये वाला अपना प्लाट है भैया जी 30 बीघे का ये वाला। टोटल आम का पेड़ लगे हैं इसमें, अमरूद का, आम का। हाँ भैया
तो निकलो भैया फिर। बहुत बहुत मस्त लोकेशन है भैया जी, बाग नंबर एक के, मिट्टी भी नंबर एक की है। कितनी मस्त मिट्टी है देखा जाए बड़े भैया, ये कितनी नंबर एक की मिट्टी है। और ये वाला अपना प्लाट है आम का बाग और अमरूद का। और ये क्या है भैया ये वाले, ये जो पेड़ लगे हैं सागवन है, सागवन का भी पेड़ लगे हैं भैया किनारे किनारे अपने। सागवन का कभी एक क्लस्टर है और आम का पेड़ है, आम का अमरूद का। अरे तीन चार वैरायटी हैं भैया, यानी अपने चारों तरफ मेड़ परियां हैं क्लस्टर और सागवन और बीच में आम का अमरूद का। तो देखा जाए भैया तो बहुत मस्त लोकेशन है और ले भी सकते हो, अच्छी जमीन है नंबर एक की। अब यहाँ हम निकले भैया जी इस चक्रोड पे, वो वाला उस चक्रोड उधर से छोड़ के हम इस चक्रोड पे आ गए जहाँ से वीडियो हमने स्टार्ट किया था। स्टार्ट तो उस कोने से किया था बड़े भाई, मगर इस कोने पे यहाँ पे निकले हम, आपको चल के वहाँ तक दिखा देते हैं। चाचा जी यहाँ पे कुछ पानी वानी पीने का व्यवस्था है, बम्बा वम्बा लगा है आगे न? एक खेत में बोरिंग है बड़े भाई, ये वाली बोरिंग है देख लीजिए, ये वाली दो तीन तो बोरिंग होंगी यहाँ भैया। हाँ एक बोरिंग तो यहाँ पे है, एक उस तरफ में होगी, अरे दो तीन बोरिंग होंगी। और बढ़िया, ये कितने फीट का कच्चा चक्रोड होगा और लंबा चौड़ा चक्रोड है? 15 फीट का, 20 फीट का होगा, 20 फीट का कच्चा चक्रोड है बड़े भाई इस तरफ का, और उस तरफ का होगा 15 फीट का। ये वाला प्लाट है भैया, तोल लियो खा लिया जी एक एक। भैया जी यहाँ पे बैठे हुए हैं हम पूरे खेत के, बड़े भाई पूरे खेत की वीडियो हमने बना लेके आ गए। मेरी जब जमीन है तो दूसरे का नंबर क्या देंगे? ठीक भैया जी, आपको हम जमीन पर से चल करके यहाँ से, बड़े भाई हम चल करके आपको हम काली डामर दिखा देंगे यहाँ से, कितनी दूरी है काली डामर की। बड़े भाई सोच लिया जा, हमने जहाँ से वीडियो स्टार्ट किया था वहाँ पे हम पहुँच गए हैं आकर के, यहीं से हमने स्टार्ट किया था बड़े भाई वीडियो, यहाँ पे हम पहुँच गए। 30 बीघे के चारों तरफ चल करके बड़े भाई हम यहाँ पे अब जा करके पहुँचे हैं। ये वाला अपना प्लाट है यहाँ से लेकर के, और अरे यानी कम से कम इस अपने कच्चे चक्रोड का फ्रेंड होगा कम से कम 700 फीट का, और 700 उधरों का मान के चलिए। दो तरफ अपनी ज़मीन के दो तरफ चक्रोड है भैया जी, ठीक। ये भी तो जिस भैया जी के समझ में आए ये ज़मीन, मगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस ज़मीन को आप ले सकते हो, आकर के विजिट कर लो, वो बहुत बढ़िया अच्छी लोकेशन में है बड़े भाई ज़मीन। हम आपको चल के तो सारी भी सारा खेत आपको हम दिखा दिए हैं वीडियो में चल करके, देख लीजिए भैया जी इसमें अपने मन से आम चुआ हुआ है इस बाग में, देखो कितना दशहरी आम है, कितना पका हुआ बहुत मस्त है। ये आम लगे हैं बड़े भाई देख लिया जा,
ये वाले आम हैं, और ये आम अपने मन से गिरा हुआ है, पक करके अपने मन से। ठीक है, ये तो कच्चा है मगर ये पका हुआ आम है। इधर आओ इधर आओ, वो उधर भी पड़ा हुआ है, वहाँ पड़ा है वो भैया, एक वहाँ हुआ पड़ा है, वो हुआ पड़ा है आम उस तरफ। तो यार भाई, तो भैया जी, जिस भैया जी के समझ में आए वो ये जमीन को ले सकता है बड़े भाई। फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, सभी भाइयों को राम राम।